विकासखंड लखनादौन के निकट पठेरा रोड ग्राम बम्होड़ी में स्थित नारायण सेवा आश्रम में इन दिनों अनंत श्री विभूषित काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नारायणानंद तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं चतुर्मास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 16 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक चलने वाले इस चतुर्मास कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेकों भक्तगणों ने अपनी उपस्थिति देकर धर्म लाभ अर्जित किया है। इसी श्रृंखला में MP24 न्यूज़ की टीम जब बम्होड़ी ग्राम में नारायण सेवा आश्रम में पहुंची तो वहां जगत गुरु स्वामी नारायणन जी के दर्शन लाभ प्राप्त हुए एवं उनसे जब हमारे चैनल के संवाददाता डॉक्टर संतोष ठाकुर ने भेंट वार्ता की तब उन्होंने आशीर्वचन स्वरूप क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। इस समय पर मैं ग्राम पठेरा के आश्रम में स्वामी जी नारायणानंद जी तीर्थ जो शंकराचार्य जी हैं उनके आश्रम में MP24 चैनल के लिए मैं यहाँ से दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप उनसे मैं लेना चाहता हूँ। मेरे संक्षिप्त में प्रश्न है, स्वामी जी आप का यह विशाल स्थान देख के तीर्थ स्थान में बदल चुका है, क्षेत्र की जनता यहाँ आ रहे हैं, हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे यहाँ पर आपका स्थान है और गुरु पूर्णिमा में आप चतुर्मास का विश्राम है, तो गुरु पूर्णिमा के बारे में एकदम संक्षिप्त में आप दो शब्द अपने भक्तों के लिए क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, यह भगवान की 24 अवतारों में वेद व्यास जी का एक अवतार हुआ, वेदों का विस्तार करने के लिए, पुराणों ब्रह्मसूत्र की रचना करने के लिए। तो एक बार सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए और बोले कि जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, सबकी जन्म जयंती मनाई जाती है और हम मनाना चाहते हैं, तो आपकी जयंती मनाना चाहते हैं। तो भगवान वेदव्यास जी की स्मृति में और सनातन धर्म की गुरु परंपरा के वो मुख्य हैं और उनकी स्मृति में ये व्यास पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है और सारे के सारे गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा विश्व पूजा है, गुरु पूजा शिव पूजा है, गुरु पूजा महापूजा है, गुरु और शिव एक ही माना जाता है। नास्त तत्त्वम गुरु परम, माने गुरु तत्व संसार में अंतिम परि तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है वही गुरु तत्व है, जो शिव तत्व है वही गुरु तत्व है और गुरु यह बताने के लिए होता है शिष्य को कि तुम भी वही शिव स्वरूप हो, तुम उससे भिन्न नहीं हो। तो इस प्रकार से जहां गुरु और शिष्य दोनों अभेद हो जाते हैं, जहां एकता का दर्शन हो जाता है, वहीं वास्तव में गुरुत्व होता है, जहां भेद की भ्रांति समाप्त हो जाती है और उनके वाणी के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा संशय भ्रम और शोक और मोह का निवारण होता है। समय समय पर महापुरुष गुरुजन होते रहे हैं, अनादिकाल से ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा चल रही है और ईश्वर ही वास्तव में सबका गुरु है और वही भगवान नारायण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी सर्वप्रथम नारद जी को उपदेश करते हैं, नारद जी उपदेश करते हैं व्यास जी को और व्यास जी उपदेश करते हैं सुखदेव जी को। ऐसी सनातन धर्म की गुरु परंपरा है। गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ आपका ये विशाल आश्रम और हमने ऐसा सुना है कि सुनी की जो जनता है, धर्म पे अनुयायी जो भी लोग हैं, आपके जो शिष्य हैं बहुत हैं, आप यहाँ काफी दिनों से आते हैं, उनसे आपका विशेष लगाव है और इस जिला से आपका विशेष प्रेम है, तो ऐसा यहाँ के भक्तों में आपने ऐसा क्या देखा जो यहाँ आपका विशेष प्रेम और लगाव है? अब देखो, ये हम सन 85 में सर्वप्रथम डॉक्टर साहब बम्बई से वाराणसी जा रहे थे अपनी कार से और अचानक ही 6-12 में गाड़ी बिगड़ गई, कोई दूसरा
और हम पहचान हमारा था नहीं, हम प्रथम बार तो उस रास्ते से निकले थे। तो फिर मालूम पड़ा कि पन्नालाल जी की गैरेज में गाड़ी बनेगी। पन्नालाल जी ने हमको गाड़ी बनाई और उससे कोई पैसा नहीं लिया। हमने कहा पन्नालाल हम भी तुम्हारी गाड़ी बनाते रहेंगे, पैसा नहीं लेंगे। और वहीं पर डीपी सिंह आ गए, वहीं मधु भाई आ गए, नारायण जी आ गए, नवीन सिंह जी आ गए और भी जितने अच्छे अच्छे लोग थे, सब सारे लोग सब वहां पर इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होकर के फिर वहां पर चातुर्मास किया गया, कहां बंजारी में चातुर्मास किया गया। वहां सारे लोग सब इकट्ठा हो गए, बहुत से लोगों ने नशा छोड़ दिया, बहुत लोग उसके अनुयायी हो गए। और जहां भक्तों का समूह हो गया, भक्तों के अंदर हृदय में भावना पैदा हो गई, श्रद्धा पैदा हो गई, गुरु के प्रति शिष्य के अंदर जो समर्पण है और गुरु के अंदर शिष्य के प्रति जो और कल्याण की भावना है, अनुग्रह है, कृपा है, इन दोनों के मिलन का नाम दीक्षा होता है। और जब दीक्षा हो जाती है तो वो हमारा एक आध्यात्मिक संबंध बन जाता है। फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है वहां के लोगों को ज्ञान देने के लिए, वहां के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, वहां के लोगों को भय शंका शोक संदेह मिटाने के लिए उनको हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, हमारा एक संबंध हो जाता है। आध्यात्मिक हमारा अलौकिक संबंध है, हमारा और यहाँ के लोगों का अलौकिक संबंध है। और सिवनी जिला वास्तव में जैसे सिवनी माने शिव की ओर ले जाने वाला, शिवत्व की ओर ले जाने वाला जिला है, जहां पर भगवान शंकर की पूजा होती है मठ मंदिर में सिवनी में। तो सिवनी जिला वास्तव में धार्मिक जिला है, धर्म प्राण जनता यहाँ की है और यहाँ के लोगों ने हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखी, बहुत भाव रखा और बहुत समर्पित हैं। इसलिए हर साल कहीं ना कहीं सिवनी जिले में सत्संग यज्ञ होते रहते हैं और उसी परंपरा के अनुसार फिर हमारे यहाँ बमौड़ी पिठेरा में यहाँ कार्यक्रम होगा। तो फिर यहीं पर लोगों ने ये संकल्प करके हमको ये आश्रम का दान कर दिया और धीरे धीरे आश्रम का निर्माण यहाँ के लोग करते रहे। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में तो 20-25 हजार लोग पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हैं, भारत के हर प्रांत से। तो वह एक परंपरा है। लेकिन सिवनी जिला जो भी केंद्र बिंदु है हमारा, ये हमारा कर्म क्षेत्र है और ये जरूर ये सब यहाँ के सारे भक्त लोग हमारे पूर्वजन्म से कुछ संबंधित रहे हैं। ये हमारा इनके साथ आप लोगों के साथ हमारा कुछ संबंध रहा है, अभेद संबंध रहा है, आत्मिक संबंध रहा है। संबंध दो तरह का होता है, संतान दो तरह से होती है, बिंदु संतति पिता पुत्र से जो पैदा होती है संतान, बिंदु संतत, और एक होती नाद संतत। गुरु और शिष्य की परंपरा नाद संतति होती है, ध्वनि के द्वारा, शब्द के द्वारा, महावाक्य के द्वारा, तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा कि तुम और वो दोनों एक हो। क्या है, जहां अभेदता का दर्शन कराया जाता है, जहां जीव और ब्रह्म की एकता का बोध कराया जाता है, जहां कहा जाता है कि स्वर्ण और गहना दोनों एक है, जहां कहा जाता है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक है। तो ऐसे बार बार जब गुरु महावाक्य का उपदेश शिष्य को करता है और शिष्य जब अधिकारी हो जाता है, एकमात्र मोक्ष की इच्छा रखने वाला शिष्य जब गुरु की शरण में जाता है तो अवश्य ही वो स्थिर तत्व के रहस्य को हृदयंगम कर लेता है और फिर वो संसार बंधन में अनासक्त होकर व्यवहार करता है, अनासक्त काम करता है, सब विकारों से रहित रहता है, सबके प्रति समत्व का भाव रख लेता है, सब में अपनी आत्मीयता रख लेता है। तो यहाँ सिवनी जिले के लोग हमारी सब आत्मा हैं और हम सबकी आत्मा हो गए हैं, हम सबको हृदय से चाहते हैं और सारे लोग हमको चाहते हैं और हमारा इनका साथ अलौकिक संबंध है। ईश्वर ने यह संविधान बनाया है, इसलिए हम यहाँ के लोगों का बहुत आदर करते हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भी हम सिवनी जिले के लोगों को और अब बहुड़ी पिठेरा के लोगों को सारे संसार में जाकर यहाँ के लोगों के नाम उजागर करते रहते हैं। 12 अक्टूबर तक आपका यहाँ कार्यक्रम है, 12 अक्टूबर के बाद में आपका नेक्स्ट कार्यक्रम कहाँ? 12 के बाद 13 तारीख को यहाँ से हम चलेंगे तो वाराणसी में जाएंगे, 14 को वाराणसी जाएंगे, 15 तारीख को वाराणसी में भंडारा होता है, वहाँ के आसपास के लोग क्षेत्र को इकट्ठा होंगे। 15 को बनारस में भंडारा होने के बाद 16 को हम बनारस में रहेंगे, 17 तारीख से लेकर के और फिर हमारा 9 दिन का कार्यक्रम मिर्जापुर जिले में होगा। और मिर्जापुर जिले में कार्यक्रम होने के बाद फिर 29 सितंबर से हमारा कार्यक्रम गाडरवारा नरसिंहपुर जिले में नवरात्रि में रखा गया है, हाँ वहाँ कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे उधर, वहाँ चंबल घाटी चले जाएंगे, भिंड जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर हम पंजाब जालंधर चले जाएंगे, वहाँ के बाद लौट के फिर हम आएंगे। तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम रखे गए हैं, फिर इसके बाद वहाँ के कार्यक्रम के बाद फिर हम बम्बई चले जाएंगे, बम्बई में 1 महीने कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न स्थानों में रखे गए हैं। वहाँ के बाद फिर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक आपके भीमगढ़ के पास खापा है, समस्त ग्रामवासी लोग मिलकर के वहाँ पर स्वचंडी यज्ञ का आयोजन रखेंगे और रामकथा का आयोजन 9 दिन रखेंगे वहाँ के लोग। और वहाँ के बाद फिर ऐसे कार्यक्रम लगे हुए हैं, कोठी घाट में भी इस बार कार्यक्रम रखा गया है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हुए हैं, निरंतर सूर्य चंद्रमा जैसे चलते रहते हैं, गंगा जी से निरंतर बहती रहती है, ऐसे महात्माओं को लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए धर्म रक्षा के लिए सतत निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। यह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन इसके पीछे धर्म रक्षा ही उद्देश्य है। क्या है, धर्म रक्षा के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन
होना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देना चाहिए और लोगों से ऐसे कार्य करवाना चाहिए। इससे धर्म की रक्षा होती है। भारत धर्म प्रधान देश है, भारत संपूर्ण विश्व का धर्म गुरु रहा है, आज भी संपूर्ण विश्व का धर्म गुरु है और आगे भी संपूर्ण विश्व का धर्म गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांप्रदायिक धर्म की आड़ में सनातन धर्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म सबका मूल है, सबका आदि है, सबका अनादि है और उसी सनातन धर्म के हम पक्षकार हैं, उसी सनातन धर्म के हम संरक्षक हैं, उसी सनातन धर्म के रक्षा के लिए ऋषि मुनि विद्वानों ने हमारा अभिषेक किया है कि आप शंकर स्वरूप हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सारे विश्व की मनुष्य और मानवता के लिए आप सबको ज्ञान देने में सक्षम हो, इसलिए आप सनातन धर्म का उपदेश ज्ञान देते रहिए। वही अनाथ काल से जो व्यास जी ने, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, जो ज्ञान नारद जी को दिया, जो नारद जी ने व्यास जी को दिया, जो व्यास ने सुखदेव जी को दिया, जो सुखदेव ने अपने शिष्यों को प्रदान किया, उन्होंने फिर भगवान शंकराचार्य को प्रदान किया, वो हमारे गुरुओं की परंपरा है, अनाज परंपरा है और उसी परंपरा से आया, विशुद्ध परंपरा से आया हुआ ज्ञान है और जो इस विशुद्ध परंपरा का आदर करता है वो कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है और जो गुरु का अनादर करेगा और गुरु के प्रति आदर सत्कार सम्मान नहीं करेगा उसका सम्मान संसार में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।